हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? और आज मैंने क्या लगा रखा है आप सोच रहे होंगे। तो मैंने वही पैक लगाया है जो अक्सर मैं आपको लाइव में और मेरे वीडियोस में बताया करती हूँ कि मैंने आज दही लगाई थी और मेहंदी लगाई थी। तो किस तरह से मैं दही मेहंदी लगाती हूँ वो मैंने वीडियो भी शूट कर लिया है, क्योंकि हमेशा जब भी मैं लगा के आती हूँ और बोलती हूँ तो हमेशा नीचे कॉमेंट्स होते हैं कि आपने कौन सा हेयर पैक लगाया, दीदी आपके बाल इतने अच्छे क्यों है। तो मैं ये महीने में 2 से 3 बार लगाती हूँ, और जिस तरह से लगाती हूँ मैंने आज शूट कर लिया है। तो आपको वीडियो में सारी डिटेल मिल जाएगी। मेरा DIY हेयर स्पा काइंड ऑफ, मतलब इसे आप हेयर पैक भी कह सकते हो, हिना हेयर पैक। ये एग्जैक्टली मेहंदी नहीं है क्योंकि ये कलर के लिए नहीं लगाई है मैंने। मेहंदी का प्रोपोर्शन इसमें बहुत ज़्यादा कम है, सिर्फ इसलिए है जिससे कि दही को बाइंड कर सके, नहीं तो दही जो है वो रनिंग होती है और सिर में लगाने के बाद बहती रहती है। तो जस्ट टू बाइंड दैट मैंने मेहंदी इसमें ऐड किया है। अदरवाइज में मेहंदी इसमें ऐड ना भी करो तो चलता है, लेकिन 1 चम्मच ऐड कर दो तो अच्छा हो जाता है, क्योंकि इसमें कंडीशनिंग प्रॉपर्टीज़ होती है मेहंदी में, तो अच्छा रहता है अगर आप 1 चम्मच एटलीस्ट ऐड कर लो। तो मैंने इसमें सिर्फ 1 चम्मच ऐड किया हुआ है। रेस्ट ऑफ द जितने भी इंग्रेडिएंट्स अंदर ऐड किए हैं वो सारे के सारे हेयर स्पा इफेक्ट देते हैं, और आप बाज़ार में जाके कराते हो हेयर स्पा, इतना महंगा महंगा कराते हो, और डर भी लगता है हमें ना कि कोई केमिकल तो ना हो, बालों को कुछ नुकसान ना हो। तो ये है नेचुरल हेयर स्पा, ये रीज़न है जब भी मैं इसे लगाती हूँ। और हमेशा जब भी मैं लाइव में आती हूँ तो हर कोई पूछता है, दीदी इतने बाल बहुत प्यारे लग रहे हैं, आपके बाल बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो आज मैंने शेयर कर दिया है, और 1 मिनट अंदर कॉल आ रहा है, सो ध्यान से देख लेना ये वीडियो। इसके बाद आएगा, आई थिंक इस वीडियो के बाद वो वीडियो आएगा। सो वेकेशंस आर ऑन, और आज मतलब अब तो रोज़ ही छुट्टियां हैं इसलिए रोज़ ही संडे जैसा लगता है, लेकिन मैं उठ जाती हूँ सुबह में 7:30 बजे, क्योंकि मेरी जो हाउस हेल्पर आंटी है बर्तन वाले वो बहुत जल्दी आ जाते हैं, तो मुझे उठना पड़ता है, उनको चाय वगैरह देनी होती है। सो अभी टाइम हो रहा है 11:30 बजे का, और जस्ट ये लगा के बैठी हूँ। ये शूट भी कर लिया है मैंने आप लोगों के लिए, और अब मैं इसे एक दो घंटा तो लगाना ही चाहिए, क्योंकि इसमें सारी जितनी भी चीज़ें मैंने डाली हैं बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग है, तो वो बालों को बहुत अच्छा इफेक्ट देंगे। हमेशा ऐसे शावर कैप या कोई भी पॉली बैग लगा लेना चाहिए। मेरे पास शावर कैप खत्म हो गया है तो मैंने पॉली बैग लगाया हुआ है, और जब भी मैं घर की साफ सफाई वगैरह करती हूँ ना तो मैं हमेशा इस टाइप से हेयर पैक लगा लेती हूँ। तो इस बहाने एक तो नरिशमेंट भी मिल जाता है और गंदगी भी नहीं जाती, डस्ट वगैरह भी नहीं जाती सर में। तो आज हमारा सफाई करने का मूड है, क्योंकि छुट्टियाँ हो चुकी हैं और घर के बहुत सारे कोने बहुत गंदे हो रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो क्लीनिंग कर ली जाए। डीप क्लीनिंग करने वाले हैं शायद आज हम लोग घर की, तो मैंने एक हाउस हेल्पर है दूसरी, वो आने वाली है शायद दोपहर को 1:30 बजे आएगी, और फिर हम लोग करेंगे सब लोग घर की सफाई। मैंने आज विवेक को भी बोल दिया, आपको भी लगना पड़ेगा साथ में, प्रिशा भी लगने वाली है क्योंकि अब तो एग्जाम खत्म हो गए, तो उसको टाइम पास भी करना है, दोनों का टाइम पास नहीं हो रहा। माय गॉड, ये डेविल्स बहुत परेशान कर रहे हैं अब, जितना परेशान मतलब स्कूल के टाइम पे करते हैं उससे ज्यादा अब कर रहे हैं, क्योंकि पूरा टाइम घर पे है, करने के लिए कुछ नहीं है। मैंने प्रिशा को आज बोला है कि आप नीचे से जाके मतलब 2-3 शॉप्स हैं पास में वहाँ से कुछ गेम्स वगैरह ले आओ, जैसे बिजनेस गेम्स वगैरह होते हैं, लूडो होता है, तो वो लोग खेलते हैं। मैं ज़्यादा मोबाइल टीवी देखने नहीं देती हूँ, टीवी तो फिर भी देख लेते हैं, मोबाइल तो बिल्कुल नहीं देती हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने मना किया हुआ है 1 घंटे से ज़्यादा किसी भी बच्चे ने मोबाइल वगैरह यूज़ नहीं करना चाहिए। और गर्मी बहुत हो चुकी है, आप देख सकते हो पसीनों की हालत, बहुत पसीने आ रहे हैं। और यस, मैंने पैक लगाते हुए ग्लव्स नहीं पहने थे, आप चाहो तो ग्लव्स पहन सकते हो, मैं तो ऐसे ही लगा लेती हूँ, क्योंकि इसमें कलर होता नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी मेहंदी होती है, और इंस्टेंट आप मेहंदी डालो तो उसका कलर भी नहीं आता है। ओह गॉड, मैं बहुत सारी बातें कर गई हूँ। सो अभी तो मैं ऐसे ही घूम रही हूँ, अभी नहाई नहीं हूँ मैं, एक बार वाला जो मेरा बात होता है वो भी नहीं लिया, तो मैंने ऐसे ही वो मेरा फेवरेट वाला प्लाजो, ये मेरे 4-5 मैंने खरीद रखे हैं, ये बिग बाजार से लिए थे और बहुत अच्छी क्वालिटी के निकले, तो मैंने ये 4-5 लिए हुए हैं। तो मैं सुबह में जनरली यही पहन के रखती हूँ, क्योंकि काम बड़ा फटाफट होता है, मुझे ढीले ढीले कपड़ों में काम अच्छा लगा, और नाइटी पहन के ज़्यादा मुझसे काम नहीं होता, मुझे ऑकवर्ड भी लगता है नाइटी पहन के ज़्यादा काम करना। और सुबह का भी बात नहीं हुआ है आज, क्योंकि सफाई करनी थी इसलिए मैंने सोचा बात नहीं लेती हूँ। और अब मैं जा रही हूँ प्रिशा को हेयर ऑयल लगाने के लिए, क्योंकि वो भी बोल रही है कि मम्मी सफाई करेंगे तो डस्ट वगैरह जाएगी, तो बेटर है पहले हेयर ऑयल लगा दूँ, दोपहर को फिर धो डालेंगे। तो आज हमारा डीप क्लीनिंग का मूड है, और खाने में बनेंगे सिर्फ दाल चावल, क्योंकि डीप क्लीनिंग हो रही है तो नेचुरल सी बात है मुझे बहुत ज़्यादा बिजी रहूँगी, और बैक पेन बहुत ज़्यादा हो रखा है मुझे, डॉक्टर को दिखा भी दिया है, विटामिन वगैरह भी चल रहे हैं, लेकिन बैक पेन में कोई फ़र्क नहीं है। तो विवेक मना भी कर रहे हैं कि क्यों सफाई कर रही हो, लेकिन होता क्या है ना, स्कूल जब तक ऑन थे तो कोई सफाई नहीं हुई है घर की, तो अब तो करनी ही पड़ेगी, मतलब मुझे नहीं चलता है। स्टोर रूम वगैरह बहुत गंदे पड़े हुए हैं, मैंने आपको दिखाया नहीं है, बहुत गंदे हो रहे हैं स्टोर रूम, घर के कुछ कोने बहुत गंदे हो रहे हैं, किचन के शेल्फ ये वो सब, नीचे के ड्रॉर्स, क्रॉकरी कैबिनेट भी गंदी हो रही है, तो वो सब आज करने का सोचा है, जितना होगा उतना करेंगे। पंखे वगैरह साफ करेगी हमारी हाउस हेल्पर जो आने वाली है दूसरी वाली, तो ये रूटीन है। तो चलो थोड़ी देर के बाद मिलते हैं, बहुत सारी बातें हो गई हैं, और काम शुरू करती हूँ मैं। बच्ची को तेल डाल देती हूँ, विवेक की चाय बाकी है, अभी तक चाय नहीं पी उन्होंने, बैठे हुए हैं सोके उठ के, ऐसे 10 बजे सोके उठे हैं। तो चलो थोड़ी देर के बाद मिलते हैं, काम कर लेती हूँ, उसको तेल डाल लेती हूँ। ओके, लव यू। घर में बॉल नहीं, बस लाओ तेल लेके आई हो, चलो लगा दो, लाओ। Thank you.
अवि ने इतनी गंदगी मचा दी है ये कर्टन के पीछे, ये जो वॉच रखी हुई है इसके ऊपर इसने इतनी सारी चीज़ें बहुत महीनों से रखी हुई थी, इसको आज मैंने इसकी वाट लगाई है, सब हटा यहाँ से, तो लगा हुआ है बस सफाई करने में। और यहाँ पे मैंने सोफे पे ना थोड़ा सा वो डाल दिया है बेडशीट, क्योंकि ना ये अभी गंदा कर देगा और धूल वगैरह भी जाएगी ना। और हाथ में देखो पता नहीं क्या पहना है इसने, अपने सॉक्स से बनाया था ये। और यहाँ पे जो है देखो अभी क्लीन हो गया, कितना अच्छा लग रहा है, मतलब क्लीन हो जाए ना घर तो कितना ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये देखो यहाँ पे क्या क्या रखा हुआ है, सब निकाल के फेंकने वाली हूँ आज मैं, ये सारे काम अभी क्या है इसी तरह से गंदा करता है। और यहाँ देखो मेरे स्टोर रूम की हालत मतलब बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। और ये देखो यहाँ पे मस्ती करते करते ये लोग मतलब ऊपर जो शेल्फ है उसमें मैं बड़े बड़े भगोने वगैरह दे रही हूँ रखने के लिए, जो कि किचन में बहुत स्पेस मतलब घेर रहे हैं ना, मतलब जगह बहुत ले लेते हैं। और ये देखो स्टोर रूम इतना गंदा हो रहा है, इन लोगों ने ये रंगोली के रंग इसके जो है दिवाली से पड़े हुए हैं, तो बस वही सब करवा रही हूँ इन लोगों से आज मैं। देखो गंदगी देखो सब साफ करना है आज। है जगह या दूसरी उसमें करो? कितने साइड? ए रुक, मेरी पिचकारी अंदर रख दो। हाँ रख दो, ये भी अंदर रख दो। अभी ला दे खाली। अरे ये भी डाल दो, ये गोवा में लेके जाने का है। क्यों ये? अच्छा हाँ ये तो बैकपैक है ना तुम्हारा। हाँ गोवा में लेके जाना है। और भी कोई बैग है वो भी लाके डालो बेटा, क्योंकि बिना काम पड़े रहेंगे ना, डेढ़ महीने बाद चाहिए। अभी सब डाल दो लाके, अच्छे से कोटाओ, अच्छे से अच्छे से। हाँ ये क्या कर रहा है? तुझे बंद कर दो अंदर, सफाई करते रहना अंदर। जा बाबू देख के ला, जा देख के ला। और कौन सा बैग है? और टैबलेट है उसके घर पे। रह क्या है? और दो बैग्स लेके आओ, सारे बैग्स लेके आओ, घर में कोई गंदगी नहीं चाहिए। आज मैंने सबको काम पे लगा दिया है, मतलब विवेक को भी लगा दिया है, बड़ा बड़ा काम वो कर रहे हैं, क्योंकि मेरी कमर में दर्द रहता है तो मैं भी कर रही हूँ, बट साथ साथ वो लोग भी कर रहे हैं। और सारे स्कूल बैग्स वगैरह मैंने इसमें रखवा दिए, क्योंकि अब डेढ़ महीने बाद चाहिए, फिर कोई मतलब नहीं है ना, घर में पड़े रहते हैं गंदगी रहती है, सो यहाँ रखवा दिए मैंने। लेके आओ वो भी लेके आओ, चेन बंद करो इसकी, चेन बंद करके रखो। आज पूरे घर को हम साफ कर डालेंगे, चाहे कुछ हो जाए, है ना अभी आज हमने ये करके रहेंगे आज हम। क्या हॉट बीबी, लाओ ये बैग भी बंद करके रख दो। आप क्या लेके आए हो? हाँ तुम्हारी तो चाहिए ना यूज करने के लिए, स्टोर रूम में ही चाहिए। नहीं नहीं अरे क्या कर रहे हो, ये तो स्टोर रूम में चाहिए, तो हम बनाएंगे ना अब। नहीं बेटा बनाएंगे अब। व्हाट, बेड के नीचे कितना कचरा हो रहा है, गद्दे के नीचे कौन सी? अरे अभी पकड़ना, ये तो पूरा खाली है, इसको भी साफ करो, इसमें रजाइयां वगैरह, इसमें रजाइयां वगैरह आ जाएंगी। जा काम कर लेने दे, ये वाला कुशन क्यों डाला, इसकी चेन खराब है, निकालो उसकी चेन ठीक करवा देंगे, निकालो काम आ जाएगा, तो सोफे का कुशन है ना, निकाल दो। और तुम क्या, तुम्हें बंद कर दो अंदर, फिनाइल की गोली आ जाए जरा, फिर लगाते हैं इसमें। इस तरह से मैं ना जितनी भी चीजें जरूरत की नहीं है वो सब इसमें लगा रही हूँ, सो दैट अभी नेक्स्ट सीजन में ही चाहिए ना ये सब गर्म कपड़े वगैरह। कवर तो चाहिए ना, कवर चाहिए बाबू। इस तरह से इनके स्कूल के स्वेटर्स वगैरह है, अभी तो चाहिए नहीं, अब तो विंटर्स में चाहिए। ला ला के दे बेटा गोलियां, बाबू लेके आई, ला के दे बेटा, लाओ ये दे दो गोलियां, दे दो नहीं खोल के। हाँ मैं खोलती हूँ। हाँ ये भी डाल दो अंदर, इसका क्या काम है, ये भी डाल दो। रिलायंस स्मार्ट, अरे वाह बड़ी सारी बारिश हो रही है आज तो, अच्छी अच्छी वाली चली है, क्या हो रहा है ये सफाई करते करते क्या हो रहा है ये, कहाँ जा रहे हो दोनों? लेके आओ वो भी लेके आओ।
देखो यहाँ पे बैठ के मेरे फुटवेयर काउंट कर रही है, मतलब बदमाश शू रैक साफ कर रही है और मेरे फुटवेयर काउंट किए जा रहे हैं, और ये सब मैंने तैयार रखा हुआ है। ये देखो, ये घर की हालत देखो यार, आज इतना सारा काम और ये अभी जो है शूज़ पहना के देख रहा है मुझे कि मम्मी आपको आ जाएंगे शायद, ये पहन लेना। देखो ये बिल्कुल भी अब यूजफुल नहीं है ना बुक्स, हाँ। तो अब इनको हम उसमें डालेंगे रद्दी में, है ना, बेंच डालेंगे रद्दी में, है ना। और विवेक थक के बैठ चुके हैं, बोल रहे थोड़ा बैठ जाता हूँ फिर वापस से, वो लगे हुए मेरे साथ क्योंकि मुझे बैक पेन है, इसीलिए वो मेरी हेल्प कर रहे हैं। इतनी हवा चल रही है, वाओ। ये अभी नहीं बंद करना, मैं देख रही हूँ अभी दूसरे रूम में से कुछ निकलेगा तो वो भी अंदर रख देंगे। और यहाँ मैंने सब लगा दिया, वो आपको दिखाई दिया, और इसमें फिनाइल की गोलियाँ डाली हैं जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह से मेरा पूरा स्टोर रूम आज मैंने खाली कर दिया है, सब कुछ बॉक्स पलंग में डाल दिया है, बॉक्स बेड में। हाँ ये देखो, ये पूरा क्लीन हो गया, एकदम क्लीन हो चुका है, यहाँ पूरा भरा हुआ था, सब खाली हो गया है। सो अब हम लोग मूव करेंगे दूसरी तरफ, कम्प्लीट, एकदम कम्प्लीट। ये हमारे रात के बिस्तर है जो हमें रोज़ चाहिए होते हैं, प्रिशावी का गद्दा और ये सब ओढ़ने की चादरें, पिलोज, तो इस तरह से लगा दिया है। और नीचे हमारा ये शूज़ का कैबिनेट है, शूज़ है। पहले ना एक्चुअली ये मंदिर था, हमने मंदिर के लिए बनवाया था, इसके ऊपर POP भी करवाई थी, लेकिन फिर मंदिर के लिए ये कोना एक्चुअली वास्तुशास्त्र के हिसाब से ठीक नहीं था, तो इसलिए हमने इसे भी स्टोर रूम बना दिया है। और यहाँ पे ना मैंने इन लोगों को बोला है जितनी भी बुक्स तुमने यूज़ की थी लास्ट सेशन में क्लास में, तो वो यहाँ लगा दो, बाद में हम लोग रद्दी में दे देंगे। तो दोनों ला ला के बस वही लगा रहे हैं, देखो आप। और इसको देखो डांस कर रहा है, माय गॉड, वाओ। कितनी पुरानी पुरानी चीज़ें निकल रही हैं यार, फिट होना, साफ सफाई करो ना तो पुरानी पुरानी चीज़ें निकलती हैं। ये निकला है इसका लहंगा जब ये छोटी थी तब का, और ये मेरी साड़ियाँ निकली हैं एक बैग में से, बहुत ब्यूटीफुल साड़ीज़ हैं, मैं आपको पूरा कलेक्शन दिखाने वाली हूँ तब दिखाऊँगी। तो एक बैग में से निकली हैं, अब इनको मैं अच्छी तरह से हवा लगा के ना फिर मैं मेरे अलमारी में रखूँगी। ओके, तो अभी टाइम हुआ है 1 बजे का, और मैं बैठी हूँ ये ज़ोमैटो ओपन करके खाना मंगा रही हूँ, क्योंकि खाना बनाने का मेरे पास टाइम भी नहीं है और मैं बहुत थक गई हूँ। 1 बज रहे हैं, अभी तक हम लोगों ने एक स्टोर रूम क्लीन किया, वो आपको दिखा दिया, बेड में सारे कपड़े डाल दिए, वूलन्स वगैरह, क्योंकि अब तो नेक्स्ट ईयर ही। और यहाँ भी आप देख सकते हो हालत सामान की, क्योंकि ये सब मेरा बैग में से साड़ियाँ निकली हैं नई, और आपको साड़ी कलेक्शन देखना है तो बहुत जल्दी मैं वो भी आपको शो करने वाली हूँ। एक मिनट, मेरा फ़ोन ज़ोर ज़ोर से बोल रहा है, वो भी शो करने वाली हूँ। तो ये कुछ मेरी नई नई साड़ियाँ निकली हैं, बहुत ब्यूटीफुल साड़ीज़ हैं, मेरे पास बहुत अच्छा कलेक्शन है। प्रिशा ने बोल के रखा है, मम्मी जब मैं बड़ी होंगी तो सारी साड़ीज़ ले लूँगी। और ये मैंने क्यों लगा रखा है, क्योंकि है ना पीछे से हल्की सी दही और मेहंदी जो है वो हल्की सी गिरी थी, तो मैंने ये लगा लिया है। तो हम लोग दोनों बैठ के यहाँ पे जो है ऑर्डर कर रहे हैं खाना, और हमारे घर की हालत माई गॉड, मतलब मैं क्या बोलूँ, पूरा घर ऐसे ऐसे पड़ा हुआ है क्योंकि सारी सफाई निकाली मैंने आज। कमर में दर्द है मुझे, लेकिन मैंने सोचा अभी लग के आज कर लेते हैं, इसलिए आज विवेक मेरी हेल्प कर रहे हैं, कभी करते नहीं हैं सफाई में हेल्प, लेकिन आज कर रहे हैं क्योंकि मुझे बैक पेन रहने लगा है इसीलिए। और मेरे दोनों बच्चे मेरी बहुत हेल्प कर रहे हैं, इधर आ जा गप्पू, गप्पू बहुत हेल्प कर रहा है, गप्पू साथ में लगा हुआ है, मस्ती भी कर रहा है और थोड़ा स्पाइसअप कर रहा है हमारे क्लीनिंग रूटीन को, इसे पूरा स्पाइसअप कर दिया हुआ है। और प्रिशा भी बेचारी लगी हुई है। तो हमने शूज़ का रैक जो है वो क्लीन कर दिया, स्टोर रूम कर दिया, ऐसा स्टोर रूम करने जा रहे हैं, एक रूम हो गया, आगे के रूम की विंडोज़ हो गई, अब हम पंखे वंखे करेंगे और बहुत कुछ करेंगे। तो चलो पहले खाना ऑर्डर कर लेते हैं। और आपको क्या मिला देखो, बहुत भूख लग रही है यार, हटो अभी, बहुत भूख लग रही है, तो मैं कुछ मंगा लेती हूँ फिर आपसे बात करती हूँ। और यहाँ बैठ के ना ये बैग में से कुछ सामान सॉर्ट आउट करिए। ओह वाओ, आईडेक्स मिल गया मेरी कमर के लिए, मेरी कमर की दवा मिल गई, आईडेक्स मिल गया, बहुत दिन से ढूंढ रहे थे हम लोग, मिल नहीं रहा था। और ये मेरा ब्लीच है ये मेरा प्योर रूट्स का। ये स्टोर रूम में से ना एक बैग निकला है, ये साफ कर रही है, हाँ ये कुछ मेडिसिन है बट एक्सपायर हो चुकी होंगी, देखो ना ज़रा फेंक दो इन्हें, बहुत अच्छी हवा आ रही है, इसलिए हम लोग यहाँ बैठ के ज़ोमैटो में खाना देख रहे हैं, क्या मंगाएं, क्या मंगाएं।
चलो तो मैंने फाइनली शुरू कर दिया है स्टोर रूम को साफ़ करना। ये दूसरा वाला स्टोर रूम है, ये सब जितने भी अलमीरा है, मतलब ये छोटी सी क्या बोलेंगे इसे, शेल्फ है सामान रखने के लिए, तो वो सब साफ़ कर रही हूँ मैं। ये नीचे देखो, हालत देखो यार, हालत देखो, आज बहुत ज़्यादा गंदगी हो रखी थी, बहुत टाइम से सोच रही थी पर साफ़ नहीं कर पा रही थी। बोलो बोलो बोलो, क्या बोल रहे थे? उसके दो ये चुन्ने मुंडे काम कर रहे हैं और उनका ये पति आज काम वाला बन गया है। और यहाँ किचन में मेरी हाउस हेल्पर आ चुकी है और वो जितने भी शेल्फ हैं उसके न्यूज़पेपर वगैरह चेंज कर रही है, बाकी हमें करना है सब। सो ये मैनेज हो गया है और यहाँ से भी पूरा खाली कर दिया है मैंने सारा, बहुत सामान था यहाँ पे। अभी देखो फ्लोर गंदी हो रही है, अभी पोछा ओछा लगाऊंगी और फिर इसमें मैं सब सामान लगाऊंगी फिर से। ये देखो हालत देखो, हालत देखो, हालत देखो, हालत देखो, वहाँ हाउस हेल्पर काम कर रही है, किचन साफ कर रही है। थैंक यू बाबू। क्या हुआ गप्लू, थक गए? मामा भी थक गई है बहुत, नींद आ रही है खाना खाके? हाय मेरा बच्चा, थकी थकी मैं भी बहुत थक गई हूँ, अभी तो नहाना भी है, मेहंदी भी धोनी है माथे में से। ग्रेप्स खा लेते हैं, थोड़ी एनर्जी आ जाएगी। मतलब ये प्रूफ हो गया भाई कि ये बहुत शुगर कंटेन करता है। या एकदम खाते सो फाइनली बारी आ गई है झाड़ू पोछे की, क्योंकि पूरी सफाई हो चुकी है तो बस अब झाड़ू पोछा ही बचा है। तो मेरी हाउस हेल्पर वो लगा रही है, मतलब ये हाउस हेल्पर वैसे मेरे यहाँ काम करने नहीं आती हैं लेकिन सफाई के लिए इनको मैंने बुलाया है। तो जैसे तैसे, मतलब हम लोग कितने घंटे तक कॉन्स्टेंट काम किए हैं तब जाके घर इतना क्लीन हुआ है और अब ये फाइनली झाड़ू पोछा लगा रही है, ये हमारे रूम में लगा रही है इस वक्त। तो इस तरह से कुछ आज का दिन गया हमारा, बड़ा फन फील्ड और मस्ती वाला दिन था। ये थक के बैठी हुई है, इसकी हिम्मत नहीं हो रही नहाने चली जाए, बहुत देर से बोल रही है बट थकी हुई है बहुत ज़्यादा, हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। लेकिन घर देखो आप, एकदम क्लीन हो चुका है, क्रिस्टल क्लियर। तो दिखा देती हूँ आपको स्टोर रूम कैसे लग रहा है, ये पूरा साफ़ हो चुका है, ये अलमीरा भी छोटी सी, और आपको बाकी भी दिखा देती हूँ। स्टोर रूम दिखा दिया मैंने एक बार तो, बट लास्ट लुक आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से पूरा क्लीन हो गया है, ये भर गया था पूरा, और यहाँ पे मेरा ये ब्लू रूम भी साफ़ हो गया, इस पर बेडशीट डालनी बाकी है, ये भी क्लीन हो गया है, इसमें थोड़े कपड़े पड़े हैं मुझे करना है। सो फाइनली फाइनली एवरीथिंग इज़ क्लीन नाउ। ओके सो टाइम हुआ है 3:30 बजे का टाइम हुआ है। जस्ट मैं अभी शावर लिया है मैंने और अभी शैम्पू किया है, वैसे 1-2 घंटे ही रखना चाहिए वो हेयर पैक, वैसे आप ज़्यादा भी रखोगे तो कोई नुकसान नहीं होने वाला है क्योंकि सभी नेचुरल चीज़ें हैं और कैस्टर ऑयल और बादाम का तेल उसमें जो था, आलमंड ऑयल और विटामिन ई ऑयल, ये तीनों चीज़ें बहुत नॉरिशिंग है, तो अगर ज़्यादा भी लग जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज मेरे साथ ऐसा ही हुआ है क्योंकि मैं सफाई करने लगी थी तो मुझे फ्री होते होते 3 बज गए सब काम से, हम लोगों ने 11:30 बजे सफाई शुरू की थी और 3 बजे तक हमारा काम चला है। माय गॉड बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ मैं, बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, लेकिन आराम करने का मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मुझे ब्लॉग पब्लिश करना है और थोड़ी सी एडिटिंग अभी भी बाकी है तो थंबनेल वगैरह भी बनाना है। तो जस्ट शावर लिया है, बाल गीले हैं आप देख सकते हो, एकदम शावर लिया है, और जब ये सूख जाएंगे तो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या इफेक्ट आया इस हेयर पैक का, वो भी आपको दिखा दूंगी। सो इट्स अ वेरी यूज़फुल हेयर पैक, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके बाल बड़े बेजान होते हैं, वॉल्यूम नहीं होती और नॉरिशिंग नहीं, मतलब नॉरिश नहीं होते, ड्राई होते हैं, ड्राई हेयर्स वालों के लिए बड़ा वरदान है ये हेयर पैक, तो इसको ज़रूर अप्लाई करना। मैं मेरे हेयर केयर रूटीन में ये हेयर पैक शामिल है, पिछले 10-15 सालों से मैं हर महीने कम से कम 2-3 बार ज़रूर अप्लाई करती हूँ और मैजिकल चेंजेस देख सकते हो आप आपके हेयर्स में से अप्लाई करने से। सो ये तो मैं गारंटी दे सकती हूँ, तो इसलिए आप मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई करके देखना।
और बहुत ज़्यादा थक चुके हैं हम लोग, इतने थक चुके हैं कि मतलब आधा घंटा तो मैं ऐसे ही बैठी रही हूँ काम निपटा के, काम हमारा 3:45 बजे निपट गया था, बैठी रही मैं आधा घंटा, इतनी थक गई। प्रिशा भी बैठी रही आधा पौना घंटा, खाना भी बाहर से मंगवाया, खाना बाहर से इसलिए मंगवाया क्योंकि जब घर में इतनी सारी साफ़ सफाई चल रही हो, आज हमने दोनों स्टोर रूम साफ़ किए हैं, दोनों स्टोर रूम बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे, उसमें से एक हमारा मंदिर है जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन उसको हमने स्टोर रूम बना दिया है क्योंकि वास्तु शास्त्र के हिसाब से कुछ उसकी दिशा वगैरह ठीक नहीं थी। तो हम बड़ा ही मज़ा आया आज साफ़ सफाई करने में, विवेक के साथ मस्ती करते करते, बच्चों के साथ मस्ती करते करते, मतलब हम चारों ने जो है मस्ती करते करते मज़ा करते करते सफाई की है घर की, और ऑलमोस्ट सब कुछ साफ़ हो चुका है। थोड़ी बहुत चीज़ें बाकी हैं जैसे कि मेरी क्रॉकरी कैबिनेट और 2-3 चीज़ें बाकी रह गई हैं, बाकी हमने ज़्यादातर सब कर दिया है, लेकिन एकदम दिवाली की तरह सफाई करते वैसे नहीं किया है। स्टोर रूम्स वगैरह गंदे थे, किचन के जो ड्रॉर्स होते हैं उसके न्यूज़पेपर वगैरह चेंज किए, उसमें न्यूज़पेपर बिछाए और बर्तन वगैरह उसके ऊपर रखते हैं हम लोग, और पंखे वगैरह साफ़ करवाए, हाउस हेल्पर आई थी करने के लिए, और हम स्टोर रूम और कपड़े वगैरह मैंने रखे अंदर, बेड के अंदर डाल दिए क्योंकि वुलन्स वगैरह अब नेक्स्ट ईयर ही चाहिए, मतलब नेक्स्ट सीजन में चाहिए, विंटर सीजन में, तो इसीलिए। तो आज हम लोगों ने एक काम करते करते बहुत इन्जॉय किया क्योंकि वैसे भी मुझे टाइम बहुत कम मिलता है, मैं बहुत बिजी रहती हूँ मेरे यूट्यूब के काम में और बिल्कुल वक्त नहीं मिलता, फैमिली के साथ बहुत वक्त नहीं मिलता स्पेंड करने के लिए। तो आज काम के बहाने हम लोगों ने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया, छुट्टियाँ हो चुकी हैं तो इसीलिए प्रशा ने भी बोला चलो मम्मी हेल्प कर दूंगी मैं, आप बहुत दिनों से कह रही हो, तो इसीलिए आज सफाई का काम निकाला था, और थक भी गए हैं, बहुत थक गए हैं, इसलिए खाना भी बाहर से मंगवाया है क्योंकि अगर मैं खाना बनाने लग जाती तो सब काम रह जाता है खाने के चक्कर में। मैंने सोचा आज खाने का स्किप मार के काम कर लेना चाहिए, तो काफ़ी सारा काम निपटा लिया है और बहुत बहुत इन्जॉय किया है हम चारों ने काम करते करते, खूब मस्ती हुई है, खूब बातें हुई हैं। सो इसी तरह से बस हम लोग कभी कभी कर लेते हैं, और विवेक वैसे कभी हेल्प नहीं करते। अब कई सारे लोग ऐसे भी कमेंट कर देंगे शायद कि हस्बैंड के पास काम करवाया, ऐसे कमेंट मत करना यार, क्योंकि मुझे बैक पेन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रहा है, मैं आप लोगों को बताती नहीं हूँ लेकिन मुझे बैक का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा बैक पेन रहने लगा है, तो उनको पता है इसीलिए इस बार उन्होंने हेल्प किया, बाकी वो करते नहीं है, हाउस हेल्पर मैं मिलकर कर देते हैं, लेकिन अब से वो थोड़ी थोड़ी मेरी हेल्प करने लगे हैं बिकॉज ही नोज के मुझे प्रॉब्लम चल रही है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है यार। चलो तो फिर थोड़ी देर के बाद मिलते हैं, ये जब पूरी तरह से ड्राई हो जाएंगे मैं आपको दिखाऊंगी। वैसे थोड़ा बहुत आपको पता चल रहा होगा काफ़ी सिल्की हो चुके हैं, और शाम को जब मैं विंडो ओपन करूंगी तब आपको ठीक से ख्याल आएगा क्योंकि तब यहाँ पे लाइट पड़ेगी, सो आपको दिखाती हूँ। और ये देखो इतना सारा काम किया तो भी निकला नहीं है यार, पर्पल के नेल प्रिंट्स सुपर। चलो थोड़ी देर के बाद मिलते हैं, ठीक है, तब तक मैं एडिटिंग कर लेती हूँ थोड़ी और विवेक के साथ बैठती हूँ, और बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, नींद इतनी आ रही है कि क्या बोलूँ, मन कर रहा है सो जाऊँ लेकिन टाइम नहीं है मेरे पास सोने का, यानी इतना सारा काम किया है ना कि हाथ पांव सब दुख रहे हैं अब। रात का डिनर कैसे बनाऊंगी मैं वो सोच रही हूँ, इतनी ज़्यादा थक चुकी हूँ क्योंकि बहुत फास्ट और बहुत सारा काम किया, और हम लोगों ने बहुत कम घंटों में कर लिया, 11:30 शुरू किया था 11:30-12, और हम लोगों ने 2:30 बजे तो फिनिश भी कर दिया, इतना सारा काम था। और हाउस हेल्पर ने तो सिर्फ पंखे साफ किए और किचन के ड्रॉर के न्यूज़पेपर चेंज किए, बाकी सब हम लोगों ने किया है मिलके, मैंने विवेक ने और बच्चों ने। सो वी एंजॉयड अ लॉट, आज डीप क्लीनिंग डे था फैमिली के साथ और हस्बैंड के साथ, बहुत मज़ा आया। इसी तरह से आप लोगों ने भी करना चाहिए, कभी कभी छुट्टी का दिन हो तो भैया हस्बैंड को भी काम पे लगा दो, बच्चों को भी लगा दो, हेल्प भी हो जाती है और मज़ा भी आता है और बातें भी हो जाती हैं इस बहाने से बहुत सारी, और यू नो एक अलग ही मज़ा होता है हर चीज़ का, साथ में बैठ के चाय पीने का अलग मज़ा होता है, साथ में सफाई करने का अलग मज़ा होता है, हर चीज़ का अपना एक अलग मज़ा होता है, सो ईच एंड एवरी मोमेंट एवरी वन शुड एन्जॉय। या तो चलो बहुत लंबी बातचीत हो गई है, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। थोड़ी अच्छी नहीं बनी होगी क्योंकि मसाला खत्म हो गया था, लेकिन हाँ आई ट्राइड माई बेस्ट, और हम आज बहुत थक चुके हैं। या बहुत ज़्यादा, यानी बहुत ज़्यादा, प्रिशा ने बहुत काम किया है, बहुत सफाइयाँ की हैं प्रिशा ने, नहा धोके, और इसके भी बालों में मैंने तेल डाला था आपने देखा था, तो फिर सफाई होने के बाद इसने भी शैम्पू कर लिया है सो दैट गंदगी सब निकल गई, और मैंने भी हेयर पैक लगा के धोया, वो आपने देख ही लिया। तो मेरे लिए चाय बना के लाइए क्योंकि मुझे आज बैक पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम कर लिया हुआ है, बहुत थक गई हूँ मैं, और आज डिनर का भी कुछ ऐसे ही लग रहा है, मुझे लंच भी बाहर से आया, शायद डिनर का भी कुछ ठिकाना नहीं लग रहा है क्योंकि बहुत कमर में दर्द हो रहा है। डिनर का तो कुछ ऐसा फिक्स नहीं है क्योंकि विवेक तो ऐसे भी रात को डिनर नहीं करते हैं, और ये भी नहीं करती, देखो मुरमुरा खा रही है ये, आजकल डाइट पे है मैडम, हमारी मैडम डाइट पे है आजकल, उन्हें गोवा जाने तक पतला होना है, है ना, गोवा जाने तक, स्कूल चालू होने तक, मैं चाहती हूँ कि सब मेरे को देख के शॉकल आए, ओह माय गॉड, ज़्यादा पतला होना ही है। चलो देखते हैं आपने चाय कैसी बनाई है, बहुत बैक पेन हो रहा है यार, बहुत बहुत ज़्यादा बैक पेन हो रहा है, ठीक हो जाएगा, प्रोटीन दूध पी लो, और ना कप खरीद के लाने हैं, देख सारे कप टूटे टूटे हो गए हैं, और बचे कुछ अभी ने तोड़ डाले, टेबल तोड़ डाली, लेके आएंगे कल, मैं साउंड चला लूँ।
ओके सो शाम का टाइम हो चुका है, मतलब 7 बजने की तैयारी है, 7:45 जैसा है, सनसेट की तैयारी है, तो इसीलिए मैंने मेरी विंडो ओपन की है। पूरी तरह से तो ओपन नहीं की है क्योंकि अभी भी धूप है, बट ओपन किया आपको दिखाने के लिए कि इस हेयर पैक का क्या इफेक्ट है मेरे बालों पे। आप देख सकते हो वॉल्यूमाइज्ड भी हो गए हैं, काफ़ी वॉल्यूमाइज्ड दिखाई दे रहे हैं, और कलर भी आ गया है हल्का सा, और सॉफ्टनेस भी बहुत ज़्यादा आ चुकी है बालों में, बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं हेयर्स। और इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब इस तरह के हैं जो कि बालों को, बालों की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कैस्टर ऑयल, आलमंड ऑयल, जितनी भी चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ज़्यादा नॉरिश करती हैं और हेयर फॉल रोकने में मदद करती हैं और हेयर रीग्रोथ में बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है सब, ये वही साड़ियाँ हैं जो दोपहर को मेरे बैग में से निकली हैं, अंदर एक बैग रखा हुआ था उसमें से निकली हैं, सब हैवी हैवी साड़ीज़ मैंने बैग में करके रख दी थी तो ये निकली हैं। अब मुझे सब अच्छी तरह से लगाना, यही काम बाकी रह गया, बाकी तो ऑलमोस्ट मैंने आपको घर दिखा दिया, पूरा क्लीन हो चुका है, अच्छी तरह कर दिया है सारा घर, लेकिन यही काम थोड़ा सा बाकी रह गया। मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, बैक पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो अब कल करूँगी आराम से, इसको पड़ा छोड़ दूँगी मैं। कभी कभी मैं ऐसा करती हूँ और ऐसा ही करना चाहिए, जब ज़्यादा थकान लगे तो काम को छोड़ देना चाहिए, नेक्स्ट डे कर लो यार, अपना ही घर है, तो मैं कल करूँगी ये सब। और ये सब मेरी बड़ी बड़ी ब्यूटीफुल साड़ियाँ हैं, मतलब प्रिशा तो बोल रही है मम्मा मैं कब पहनूँगी, मतलब इतनी ज़्यादा एक्साइटेड है, और सब बहुत हैवी हैं इसलिए मैंने अंदर उठा के रख दी थी क्योंकि पहनी ही जाती, ये थोड़ी सी लाइट है। एंड दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल साड़ी, हाँ जॉर्जेट साड़ी है ये, इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा है, एंड दिस इज़ माय फेवरेट वन। ये जो है एकदम प्लेन रेड कलर की साड़ी है और इसका बॉर्डर मैंने खुद बनाया था अपने हाथ से, इसलिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है कि इस पे सितारों का बॉर्डर मैंने खुद लगाया था। सो देख लो आप बाल कैसे लग रहे हैं, अभी विंडो ओपन करके भी दिखा देती हूँ, तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं बाल। और ये हेयर पैक बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, जब आप एक बार यूज़ करोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई रुचि कुछ कह रही थी और एग्जैक्टली ये हेयर स्पा का इफेक्ट देता है, अगर आप मेहंदी ना डालो तो टोटली हेयर स्पा का इफेक्ट देगा, मेहंदी डालने से थोड़ा सा वॉल्यूमाइज भी हो जाएगा और हेयर स्पा का इफेक्ट भी आ जाएगा, दोनों चीज़ें साथ में आ जाएंगी। और इसके बाद जब आप ऑयलिंग करके सिर धोओगे ना, उसके बाद आपके बाल माशाल्लाह बहुत ब्यूटीफुल लगने वाले हैं। मैंने विंडो पूरी तरह से ओपन कर दी है, बहुत तेज़ हवा चल रही है और आप इफेक्ट देख सकते हो बालों पे, कलर भी आ गया, जबकि मैंने मेहंदी को ज़्यादा देर नहीं भिगोया था, थोड़ी सी देर भिगो के मतलब इंस्टेंटली भिगो के लगाया था, लेकिन फिर भी कलर आया है हल्का सा। और मेहंदी मैंने डाली थी नूपुर वाली, ठीक है, तो आप देख सकते हो, आप खुद ही देख सकते हो कितनी ज़्यादा सॉफ्टनेस है बालों में, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं बाल, खुद ही देख लो आप, पता ही चल रहा होगा आपको, बहुत अच्छा हेयर पैक है। और यही मैं अक्सर लगाती हूँ जब मैं लाइव में आती हूँ और सब मुझे पूछते रहते हैं दीदी आप बालों में क्या लगाए हो क्या लगाए हो, तो आज मैंने शेयर कर दिया आपसे। और हवा बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है बाहर से, ये काम तो मैं कल करूँगी, फैला पड़ा रहने दूँगी, कल तक चलेगा यार, मैं थक चुकी हूँ बहुत ज़्यादा। और अभी डिनर का भी कुछ ठिकाना नहीं है मेरा, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा कुछ बनाने का कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो विवेक आएंगे तो फिर देखते हैं क्या करते हैं। प्रिशा तो वैसे भी सिर्फ मुरमुरा खाने वाली है, डाइट कर रही है, और अभी विवेक भी नहीं खाने वाले हैं अभी, और मैं सोचे कुछ फ्रेंकी वगैरह खा के आ जाएँ बाहर जाके क्योंकि मेरे से खाना नहीं बनेगा, सॉरी मेरी कमर बहुत ज़्यादा पेन कर रही है और ये ब्लॉग काफ़ी लंबा हो चुका है तो मुझे लगता है अब इसको मुझे एंड करना चाहिए क्योंकि मुझे फिर एडिटिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो गाइज़ देख लिया आपने बालों पे इफेक्ट देख लिया, इसीलिए मैंने शाम होने का वेट किया, मैं बाकी मैं ब्लॉग है ना दोपहर को एंड करने वाली जस्ट आपको दिखाने के लिए कि हेयर्स पे कैसा इफेक्ट आता है इस हेयर पैक का, इसीलिए मैंने शाम तक मतलब लेट इवनिंग तक ये ब्लॉग एंड नहीं किया, आपको सिर्फ दिखाने की खातिर, बाकी मैं दोपहर को एंड कर रही थी, मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी इसीलिए। सो ऐसा है ये हेयर पैक, देख लिया आपने। सो चलो इस ब्लॉग को एंड कर देते हैं, और इसके बाद अगर हम फ्रेंकी वगैरह खाने गए तो उसका एक छोटा सा क्लिपिंग मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी, मतलब इस क्लिपिंग के बाद, ठीक है। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो, ये था मेरा डीप क्लीनिंग रूटीन वेकेशन होने के बाद, और अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना और शेयर ज़रूर करना फ्रेंड्स के साथ, अगर फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, टिल देन लव यू, टेक केयर, बाय बाय, एंड खुश रहो, और बस खुश रहो क्योंकि ये ज़िंदगी एक ही बार मिली है, सो जस्ट लिव इट, जस्ट बी हैप्पी, ओके। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय, लॉट्स ऑफ किसेस टू यू। लालो देखो हमारे पति हमारे लिए क्या लाए हैं, फ्रेंकी लेके आए हैं, उनको पता है उनकी बीवी जी की काम कर करके आज कमर दुख गई है, तो फ्रेंकी लाए और भी लाए हैं दो, देखो 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 दो फ्रेंकीज और भी हैं अंदर, आई थिंक मैं दिखा पा रही हूँ, यस। सो ये टोटल 3 फ्रेंकी लेके आए हैं अभी के लिए, मेरे लिए और प्रिशा के लिए, और ये तो कुछ भी नहीं, ये तो सिर्फ वही खाएंगे, क्या बोलते हैं उसको, और सब सफाई हो चुकी है, घर इतना नीट एंड क्लीन लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है आज घर में शाम को यार,
पूरे घर की सफाई कर दो ना तो घर अलग ही अच्छा लगता है। हम्म, वो नहीं खाएंगे, वो डाइट पे है। डाइट पे है मिस्टर विवेक खा, डाइट पे है। यस, ओके। मैं इंडियन यूट्यूबर रुचि का हस्बैंड हूँ। हस्बैंड, तो मुझे उसके लेवल में आना है तो पतला होना। ओके, वैसे मैं ब्लॉग एंड कर चुकी हूँ। चलो आप एंड कर दो, बाय बाय करके। बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर। वो मैं थकी हुई हूँ ना बहुत ज्यादा, तो बोले फ्रैंकी लेके आता हूँ तो तुम्हें कम खाना बनाना पड़ेगा। कैसा है? टेस्टी है ना, मैंने भी खाया। टीमा भी खा रहा है। टीमा कहाँ गया? टीमा ये रहा, टीमा बालकनी में खड़ा है पापा के साथ। पापा के साथ, हाँ, थर्ड वाली। ए पिछू, उसमें अंदर जाएंगे ना। क्या हवा चल रही है? ये पहला घर, ये पहला घर, ये वाला, ये पहला घर। बहुत बढ़िया हवा चल रही है यार, ये वाला। कैसी लगी फ्रैंकी बाबू? टेस्टी है ना, मैंने भी बहुत एंजॉय किया। तेरी बिना चीज वाली लेके आए पापा, क्योंकि तो डाइट पे है। चलो व्लॉग फाइनली एंड करते हैं, अब सुबह से चल रहा है, बहुत लंबा हो गया है। बाय बाय एवरीवन, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। अभी से बाय टू ऑल, अभी बाय।